मॉडर्न लेडी इंटरनेशनल फेम की नेता बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज दिल्ली प्रदेश के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर मौजूद हमारे आज के इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदर और सम्मान के योग्य मान्य महेश आर्या जी, हमारे दूसरे प्रभारी, दूसरे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, नौजवानों के दिलों की धड़कन, बुजुर्गों के हृदय सम्राट, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम करा, आदर और सम्मान के योग्य मान्य सीपी सिंह जी, हमारे बीस तीसरे प्रभारी इंजीनियर भीरपाल जी, ड्यूरिंग सर्विस टाइम आफ्टर सर्विस टाइम बहुजन समाज पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे बीच दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो कि 5 साल तक बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली के विधानसभा के अंदर अपना परचम फहराया, हसमुख नेता चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को भी मैं उनका हौसला अफजाई कर रहा हूँ इस बात को कहकर, और उसी के साथ दिल्ली प्रदेश के उप अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सेन जी, दिल्ली प्रदेश के उप अध्यक्ष योगेंद्र सेन साहब, मंच पर उपस्थित सभी लोकसभा के मुख्य इंचार्ज, भाईचारा कमेटी के इंचार्ज, पंडाल में बैठे मेरे सभी जोनल इंचार्ज, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, बूथ सेक्टर PLA 1 PLA 2 और बहुजन समाज पार्टी के सबसे संघर्षशील कार्यकर्ता, आप सभी का मैं अपने हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और अपनी बात को एक मिनट में कहकर समाप्त करूंगा कि आज हमारे बीच, क्योंकि दिल्ली की सुप्रीम कमांडर, दिल्ली देश की सुप्रीम कमांडर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जो दिशा निर्देश है वो हमको पूरा का पूरा उन्होंने तो कर ही रहे, हमको भी पूरा उनका उनके हाथ मजबूत करने के लिए हौसला अफजाई करने का हम सबका ड्यूटी है। एज फॉर दिल्ली के अंदर हमारा चार कमांडर इन चीफ है, पहले कमांडर महेश आर्या जी, दूसरे कमांडर सीपी सिंह जी, तीसरे कमांडर हमारे भीरपाल जी और चौथे कमांडर भाई सुरेंद्र जी। तो सभी सम्मानित साथियों, मेरा यही कहना जो इनके दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि आज का सम्मेलन इसी विषय पर है, तो जो हमको दिशा निर्देश मिलेंगे तो हम लोगों को पूरे दिलो जान लगाकर हमको ये काम करना है। बाकी साथियों एक छोटी सी बात और कहकर, आप सभी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ इतिहास में आपको नहीं दोहरा, वैसे तो इतिहास हमेशा दोहरा है ही जाता है, लेकिन आपने पहला वर्ल्ड वॉर देखा भारत के अंदर, भारत ने हिस्सा लिया, सम्मान मिला, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, भारत को सम्मान मिला, तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ सोनीपत का लड़ाई, और आज हमारा लड़ाई है डू एंड डाई वर्क फॉर BSP फॉर 2019, हम लोगों को भारत लड़ा इसके अंदर हिस्सा लेना है चारों कमांडरों के साथ, और हमारी सुप्रीम कमांडर बहन कुमारी मायावती जी के हाथ हम तभी मजबूत कर सकते हैं कि इस देश की बागडोर अगर 15 अगस्त 2019 के अंदर लाल किले पर कोई झंडा फहराएगा तो हमारी सुप्रीम कमांडर बहन कुमारी मायावती फहराएगी, कोई नहीं फहराएगा। इसी के साथ आप लोगों का सभी का धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, खुदा हाफिज।